नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला सहित देवेंद्रनगर में नियमों को ताक पर रखकर बसों का संचालन किया जा रहा है। चालक परिचालक की मनमानी व बदसलूकी से यात्री परेशान हो रहे हैं। कई बसों में किराया सूची न लगने की वजह से बस संचालकों द्वारा मनमानी किराया वसूल रहे हैं। वहीं अब किसी भी बस संचालकों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट भी नहीं दी जाती और जो टिकट दी जाती है उसमें न तो किराया, बस नंबर और स्थान का उल्लेख नहीं किया जाता है। बस के अंदर किराया सूची चस्पा नहीं होना, बस के अंदर का नंबर नहीं लिखा होना, अग्निशमन यंत्र का नहीं होना, परिवहन कंट्रोल रूम का नंबर नहीं होना आदि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, इस समय बसों में सफर करने में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बस संचालक मनमाना किराया तो वसूल कर रही है, साथ ही पशुओं की तरह सवारियां भरते हैं। इन सब के बाद भी प्रशासन कार्रवाई के लिए आगे नहीं आ रहा है। बस चालक और परिचालक दोनों के द्वारा ड्रेस कोड का किसी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है। देवेंद्रनगर के एक निवासी हैं राजेंद्र गुप्ता, उनके द्वारा दूरभाष पर ये सूचना दी गई कि 4-5 दिन पहले उनसे बस में ज्यादा किराया लिया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। संज्ञान लेते हुए उन्हें आज का समय दिया गया था कि मंगलवार की शाम को आप वहाँ उपस्थित रहना और निरीक्षण के दौरान हम उस बस पे कार्रवाई करेंगे उस बस की टाइमिंग के समय। तो आज उस बस को रोका गया और उनकी शिकायत की जांच की गई तो उनकी शिकायत सही पाई गई, वो ज़्यादा किराया ले रही थी गाड़ी। जो नियम प्रशासन बनाता है कम से कम उसका तो पालन कराया ही जाना चाहिए। अब कलेक्टर के निर्देशों का पालन जिले के अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं तो अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके लिए कलेक्टर की बातों का महत्व कितना है। बीसीएन न्यूज के लिए पन्ना देवेंद्र नगर से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। उज्जैन शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। माध्य मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माध्य अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। अमावस्या पर इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन मौन रहने और कटु शब्दों को न बोलने से मुनिपद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ मास अमावस्या के दिन पूर्ण सलिल क्षिप्रा के तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी। महिलाओं ने पुण्य सलीला शिप्रा में स्नान करने के पश्चात पीपल की पूजा करने के साथ ही विष्णु भगवान की भी पूजा की। प्रशासन ने रामघाट पर चाक चौबंद व्यवस्था की। अमावस्या है माघ मास की, यहाँ पर स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। रामघाट का यहाँ पर महत्व है। तीर्थराज नमस्तुभ्यम दहे में वांछितम फलम आग्नेयम दहे में यत् तीर्थ फलम लवे। यहाँ पर स्नान करने से अपने घर में सुख शांति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। घर में वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि रहती है। बीसीएन न्यूज के लिए उज्जैन से मेहरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। राजेंद्र कुमार वर्मा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा के निर्देश में जिला अनूपपुर में यातायात प्रभारी सूबेदार अमित विश्वकर्मा जिला अनूपपुर के विरुद्ध में ट्रेप कार्रवाई की गई। सतना निवासी योगेंद्र शर्मा, जिनके 29 पलकर ट्रक संचालित है, एंट्री के रूप में 50,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से बातचीत के दौरान 10,000 रुपए आरोपी यातायात प्रभारी द्वारा लिए गए थे। विगत दिनांक 11 फरवरी 2021 को अपने अधीनस्थ यातायात आरक्षक अब्दुल कलीम को भेजकर शेष 40,000 रुपए आरोपी के द्वारा शिकायतकर्ता से प्राप्त करने के लिए फोन पर कहे जाने पर आरक्षक के द्वारा उक्त रिश्वत की रकम 40,000 शिकायतकर्ता से प्राप्त की गई, जिसे मौके पर रंगे हाथों पकड़ा गया। अब एक्चुअली क्या है कि फ्लाईएस जो लोड होता है वहाँ पे कांटा वगैरह है नहीं जी, अंदाज में सूट से लोड होता है जी, तो वो कभी टन दो टन चार टन ज्यादा हो जाता है जी, तो उसी चीज का ओवरलोड का ये इन्होंने प्रेशर बनाते हैं कि आपकी गाड़ी ओवरलोड है, नहीं तो चला नहीं कर रहा। प्रथम रिकॉर्डिंग के दौरान 10,000 रुपये यातायात थाने में ही लिए गए। आज शेष 40,000 रुपये आरोपी के द्वारा मांगे गए थे, परंतु वह उसने अपने अधीनस्थ यातायात आरक्षक अब्दुल कलीम को शेष 40,000 रुपये शिकायतकर्ता से प्राप्त करने के लिए भेजा, जिसे अनूपपुर में अंडरब्रिज चेक पोस्ट जहाँ यातायात के पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, वहाँ पर 40,000 रुपये रिश्वत शिकायतकर्ता से प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक डोबन सिंह मरावी एवं 20 सदस्यीय दल के द्वारा कार्रवाई जारी है। बीसीएन न्यूज के लिए अनूपपुर जिले से भूपेंद्र पटेल की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के नागसिरी थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता और सोनाली नामक महिला, जो कि उज्जैन की भैरोगढ़ जेल में धारा 420 के अपराध में सजा काट रही थी, जिसका अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे उज्जैन के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन महिला कैदी ने मौके का फायदा उठाकर जिला अस्पताल के शौचालय में जाकर शौचालय की खिड़की से भाग निकली, जिसकी जानकारी जब वहां की सुरक्षा में लगे जेल प्रहारी को लगी तो हड़कंप मच गया। वहीं पूरी घटना की जानकारी जब जेल सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर से ली गई तो उन्होंने बताया कि संभवतः महिला कैदी जिला अस्पताल के शौचालय की खिड़की से निकलकर फरार हुई है। इस पूरी घटना में दोनों जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया है और महिला की तलाशी जारी है। अंडर ट्रायल महिला प्रहरी जो है महिला बंदी सुनीता उर्फ सोनाली, जो कि देवास रोड नागझिरी की थी, 420 में जेल में सेप्टेम्बर माह से हमारे जेल में परिरुद्ध थी। आज उसको जो है 4 बजे के लगभग सीवियर चेस्ट पेन और उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको अस्पताल भेज करके चेकअप करा लिया जाए। और वो अस्पताल गई तो वहाँ उसकी ECG में थोड़ा गड़बड़ था, तो डॉक्टर्स ने उसको रात भर जो है ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए वहाँ रखा हुआ था, जिसके लिए 2 प्रहरी लगे हुए थे, एक पुरुष और एक महिला। और लगभग 10 बजे की गार्ड ने हमें अवगत कराया कि वो महिला वहां पे नहीं है, वहां से जा चुकी। बीसीएन न्यूज के लिए उज्जैन से मेहरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया के माध्यम से जहां सरकार ने 100% ऑनलाइन व कैशलेस का सिस्टम चला रही है, उपभोक्ता जब राशि बैंक में जमा करने जाता है तो किस तरह से अपमानित किया जाता है, एक बैंक अधिकारी अब तानाशाही पर उतर आए। साहब की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि वह उपभोक्ता से अभद्रता कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक मामला ऐसा सामने आया कि जहां एक बैंक अधिकारी अपनी मर्यादों को भूलकर श्रीराम भक्तों का अपमान करता है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव तहसील अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर की, जहां पंजाब नेशनल बैंक पर बैंक प्रबंधक लांछन लगा रहे हैं। उपभोक्ता का कार्य करने से इनकार कर दिया जाता है। पूरा मामला यहां की कई सालों बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी निधि समर्पण पूरे देश में यह पहल चल रही है। वहीं राम भक्तों ने समर्पण निधि एकत्रित कर देवास जिले खातेगांव तहसील के अंतर्गत विक्रमपुर के पंजाब नेशनल बैंक में समर्पण राशि जमा कराने पहुंची थी। फिरियादी मुकेश गुर्जर, अर्जुन प्रजापत, अभिषेक पटेल ने हरनगांव पुलिस को आवेदन देते हुए बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंडल हरनगांव के सदस्यों द्वारा समर्पण राशि 1,02,890 जमा कर दी। उसी समय 5,500 की राशि भी जमा की गई, लेकिन शाखा प्रबंधक से निवेदन करने के बाद भी शाखा प्रबंधन ने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए बैंक से बाहर जाने की बात कही, जबकि कार्यालय समेत 3.5 बैंक के अंदर थे। शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में पंजाब नेशनल शाखा प्रबंधक सतविंदर कुमार ने बताया कि हरनगांव के लोगों द्वारा चालान बैंक में जमा करवाए और समय पूरा हो गया, उसके बावजूद 2 चालान हमारे द्वारा लिए गए। उनके पास चालान उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा गया। ये लोग बैंक से बाहर चले गए और पैसा आज ही जमा करने की जिद करने लगे और हंगामा करने लगे। ये पंजाब नेशनल बैंक, अच्छा, विक्रमपुर। तो हम जब यहाँ पे पैसा जमा कराना है तो 3:30 बजे आ गए थे। अच्छा। 3:30 बजे के बाद हमारी 6 जो स्लिप है वो जमा कर ली, 7वीं स्लिप के लिए साहब ने मना कर दिया, बोले कि ये नहीं लिए जाएंगे। तो हमने साहब से निवेदन करा कि साहब हम वहाँ से आए हरनगांव से और ये राम जी का कार्य है, कोई हमारा घर का कार्य नहीं, हमें भी समय नहीं रहता है, हम भी व्यस्तता में रहते परिवार वाले हैं। पर इन्होंने उस बात को ध्यान में नहीं देते हुए हमारा अपमान करके इस बैंक से हमें निकाल दिया। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके समर्पण निधि लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास हम इस बैंक में 6-7 रसीद के माध्यम से जमा करने आए थे। 6 रसीद जमा होने के बाद 1 रसीद के लिए हमें मना कर दिया गया। लगभग 4 भी नहीं बजे थे और हमें जानवरों की तरह लरकार करके बाहर कर दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी शुभम परिहार ने बताया कि हरनगांव के लोगों ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ आवेदन दिया है, जिसकी जाँच हमारे द्वारा की जा रही है। BCN न्यूज के लिए देवास से हर्ष तिवारी के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।